हाँ काका पेपे पेपे कटे पेपे पेपे। नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल साधु जर्नी पर। और अभी मैं जो है नहा धो करके एकदम रेडी रेड तैयार हो गया हूँ। और सुबह के बजे हैं 6:15, देख रहे हैं आप घड़ी में। स्नान करने के बाद में मुझे जो लस्सी बना कर देती है, देखो रोजाना सुबह सुबह, वो लस्सी मैं खुद बनाऊंगा। अभी ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी ने यहाँ पर रात को रोटी बनाई है, ये रोटी के निशान है। देखो अभी सुबह सुबह ये साफ सफाई मेरे से नहीं होती। मेरे चिंता एक जम सी को और समस्या मन तरीका तजवीज सारा एकदम सही तरीकों में आए को नहीं, लेकिन दही जम तो बढ़िया गयो। देखो ज्यादा ज्यादा दही जमी है कोई जमने, ये तो गर्म पानी मिला लेता हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा गर्म पानी मिला लिया है तो इसमें है काला नमक डाल लिया थोड़ा सा, और इसमें है पिसी हुई अजवाइन एक जीरा है, ये पिसा हुआ जीरा है। और इसमें है ये इसबगुल, तो ये इसबगुल भी 2 चम्मच डाल लेता हूँ क्योंकि मेरे थोड़ी गर्म की तासीर ज़्यादा रहती है। वो घोटनी ये घोटनी है, ये इसके अंदर दही और पानी और ये सारी चीज़ें एकदम मिक्स। अभी लस्सी बन गई है, हैं गिलास और अपना ये गिलास, ये देखो ये लस्सी तैयार है। अब ये पी सकते हैं आराम से, इतनी मतलब जड्डी नहीं है, आराम से पी सकते हैं। ये सिस्टम मेरा प्रतिदिन का है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मौसम चाहे कौन सा ही हो। ये जो साफ सफाई वाला जो कार्यक्रम, ये सुबह सुबह चाय पीती है, देखो उठते ही सबसे पहले, ये बाद में करेंगे। ये देखो ये भी पड़ा है, सब बाद में साफ करेंगे इनको। तो ये बच्चा अभी दूध लेकर के आ गया है, आज लेट बोल आया मेरे, लेट आ जाएगी, गोल कर दिया कि तो ठीक है गाल दे, कोई बात नहीं, ले जा बरनी ले जा, तेरी अठना मेल के जा, गरम रख दे आप, रख दे, धीरे धीरे गरम हो जी सी। 4 दिन हो गए हैं, 26 तारीख को गए थे और आज 29 तारीख है। आज गृह मंत्री जी घर आने वाले हैं तो मैं पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो सेटिंग कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा ये भरा हुआ है, मैंने 4 दिन में इसको दूध का, चाय का, जैसे भी है नींबू पानी का, लस्सी का और रोटी का, सब्जी का, जो भी है वो पूरा का पूरा इसको इस भंडार को भर दिया है बर्तनों से। इसको थोड़ा बराबर मात्रा में, क्योंकि ज़्यादा गर्म भी काम करेंगे नहीं और ज़्यादा ठंडा भी काम करेंगे, तो ये देखिए ये बराबर मात्रा में। और अभी जो है ये सबसे पहले इस प्राप का नंबर आएगा जिसमें रोटी बनाई थी, ये देखो दही का डोल दिया ज़्यादा है, पानी ठंडा ज़्यादा हो गया है, कम हो गया था, गर्म चाहिए क्योंकि ये सर्दी में दूध दही ये जम गया है, डोल दिया है काम ना धन भी रह सकता हूँ, थोड़ा गर्म पानी जल्दी हो सकता है। तो ये गर्म समस्या है तो ये 13 ये 27 ये 28 ये 27 ये 30 ये 32 ये 31 ये 32 ये 33 ये 34 ये 35 ये 36 ये 37 ये 38 ये 39 ये 40 ये 41 ये 42 ये 43 ये 44 ये 45 ये 46 ये 47 ये 48 ये 49 ये 50 ये 51 ये 52 ये 53 ये 54 ये 55 ये 56 ये 57 ये 58 ये 59 ये 60 ये 61 ये 62 ये 63 ये 64 ये 65 ये 66 ये 67 ये 68 ये 69 ये 70 ये 71 ये 72 ये 73 ये 74 ये 75 ये 76 ये 77 ये 78 ये 79 ये 80 ये 81 ये 82 ये 83 ये 84 ये 85 ये 86 ये 87 ये 88 ये 89 ये 90 ये 100 ये 101 ये 102 ये 103 ये 104 ये 105 ये 106 ये 107 ये 108 ये 109
आगे तेजी आगे लगे मैंने भजे इन इन
देखिए मेरे यूट्यूब पर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं आटे की खीर बना लेता हूँ, ये भी मैंने कभी बनाई नहीं है, खाई जरूर है, बहुत बार बनाते थे पहले खीर, जब चावल नहीं मिलते थे तो आटा ही डालना पड़ता था दूध में। ये चम्मच ठीक है, तो देखिए दूध ये अपना है जो उबल चुका है अभी, तो इसमें ये एक चम्मच भर के आटा डाल देते हैं और इसको ऐसे हिला लेते हैं थोड़ी देर, जैसे वो बनाते हैं ना राबड़ी, लस्सी में आटा डाल के राबड़ी बनाई जाती है और दूध में ये आटा डाल दिया तो ये दूध वाली, ये आटे वाली खीर बन जाएगी। इस प्रकार से आटा थोड़ा कम है शायद, ये हो गई, ये तो गुठला ही गुठला हो गया पूरा गुठला, ये देखो गुठला बोलते हैं इनको गुठला, ये देखो ये मतलब है गरम, पता नहीं घोल के डालना पड़ता है, ऐसे डालना पड़ता है इसको, चीनी तो घेर लेते हैं थोड़ा मीठा हो जाए। इन तरीकों में आपने देखो ये आटे की जो खीर है तैयार होगी है, आटो कच्चो नहीं रह जाए और कोई बात को नहीं रहना चाहिए, और फिर भी अगर कच्चो रह जिस तो यहाँ के बाजरी को आटो कोई गड़बड़ कौन करे, कोई दिक्कत कौन करे, कच्चो रह जाए पक के तैयारी है, कोई दिक्कत कौन। तो इन तरीकों में आपने आज की गुठ लाली खीर है अब बन गया तैयार है, और अभी ने गर्मा गर्म खा ही लेवा। ठीक है, किन गई तू, किन आई है, कितनी दूर जा गई दादी और गई के सगे है? से चार दिन के टूर के बाद अभी अभी गृह मंत्री घर पर पहुंचे हैं। अलाल है बाचा बना दी सुकन्या के लिए चाह तैयार है, तेरी है सुकन्या लो, ओ अंकित मदन जी गोदारा गांव लालम दे सरनोखा बीकानेर से 101 रुपया, विजय कुमार जी सोनी जोटवाड़ा जयपुर से 101 रुपया, रूपाराम जी नानूराम जी नायक गांव मैन सरनोखा बीकानेर से 551 रुपया,
कमलेश जी देवासी गांव गुंदाऊ सांचौर जालौर से 101 रुपया। प्रशांत जी बोडरे नगर भिवंडी महाराष्ट्र से 101 रुपया। नाथुराम जी चौधरी गांव सिरसी जिला जयपुर से 300 रुपया। और बलवंत गढ़वाल फौजी भाई गांव चैनपुरा नौर हनुमानगढ़ हाल शिलोंग से 1100 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।